हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी के अपने औषधीय प्लांट्स मतलब कि मेडिसिनल प्लांट्स जो है। सबसे पहले हम देखेंगे अश्वगंधा, मोस्ट कॉमन जो प्लांट है अश्वगंधा। इसका जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें तो वो होगा विथानिया सोमनिफेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत ज्यादा बार। ठीक है, ये किस कुल से बिलोंग करता है? कुल होगा इसका सोलेनेसी। और उपयोगी भाग, क्या पार्ट इसका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है या औषधियों के रूप में काम में लिया जाता है, वो है इसका रूट वाला भाग या फिर मूल। ठीक है, अगर उत्पत्ति और वितरण की बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? इसकी उत्पत्ति जो है वो भारतीय मानी गई है, मतलब कि भारत में ही ये पहले उगा होगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाया जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि के जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, मतलब जहाँ पे शुष्क या फिर कुछ थोड़ी शुष्क जलवायु पाई जाती है, वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पे भी किस कैसे जंगली पादप के रूप में पाए जाते हैं, जंगलों में ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उनमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। राजस्थान के नागौर, बाड़मेर जिले आदि में क्या करते हैं, इनको व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं, मतलब कि बेचने के लिए। ठीक है, वानस्पतिक लक्षण, लक्षण अगर हम इसके देखें तो पादप ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है इरेक्ट, मतलब कि सीधा ऊपरली ऊपर की तरफ, मतलब कि धनात्मक नहीं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करने वाला, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति करने वाला। ठीक है, इसके अलावा शाखित होता है, मतलब इसमें शाखाएं होती है। ठीक है, इस पर बारीक सफेद रोम पाए जाते हैं, मतलब जो ये प्लांट होता है इसके स्टेम पर, पत्तियों पर, हर जगह क्या मिलेंगे, बारीक सफेद रंग के रोम मिलेंगे। ठीक है, इसकी जड़ें मांसल तथा हल्के पीले या भूरे रंग की होती है। मांसल का मतलब होता है जिनमें कुछ गूदा जैसी हो, गूदा जैसा हो। ठीक है, तो जड़ें कैसी होंगी इसकी, मांसल होंगी तथा हल्के पीले या फिर भूरे रंग की होती है। ठीक है, पुष्प हरे पीले रंग के होते हैं, सिंपल सी बात है। फल छोटे व गोल, और प्रकार क्या होगा, फल का प्रकार होगा इसमें बेरी। ठीक है, देखिए आगे हम इसके बात करें प्रवर्धन की, तो यह पादप उष्ण व शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित होता है, मतलब कि जहां पे भी उष्ण या कुछ ड्राई जो जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु जो पाई जाती है, वहां पे ये आसानी से उगता है। ठीक है, मिट्टी कौन सी चाहिए इसके लिए, रेतीली या हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त, या तो रेतीली मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो, ये इसके लिए उपयुक्त होती है। अब उगाया कैसे जाता है भाई, बीजों के द्वारा उगाया जाता है, इसके बीज बोए जाते हैं, और कब बोए जाते हैं, वर्षा ऋतु में। फसल 6 महीने में तैयार, लगभग 6 महीने में ये पादप तैयार हो जाता है, उससे हम जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर जिसके लिए हमने इसको उगाया वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उपयोगी भाग, उपयोगी भाग क्या है इसका, शुष्क मूलों से औषधि प्राप्त, जो इसकी मतलब क्या करते हैं कि जब ये प्लांट तैयार हो जाता है तो इसको इसकी जड़ें निकाल लेते हैं और उनको धूप में सुखा दिया जाता है। ठीक है, तो वही शुष्क जो सूखी हुई जड़ें हैं उनसे हमें क्या मिलती है, औषधि मिलती है, दवाई मिलती है। ताजा जड़ों से घोड़ों जैसी गंध आती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अश्वगंधा। जो इसकी ताजा रूट्स होती है उससे क्या आएगी, घोड़ों जैसी गंध आती है, घोड़ों जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अश्वगंधा। मूल में एल्केलॉइड उपस्थित होते हैं जिससे जिसके कारण औषधीय गुण, भाई मूल जो है इसकी उसमें क्या है, एल्केलॉइड्स उपस्थित है, इसलिए इसमें क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिल रही है, इनको दवाइयों के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हमने ऊपर ही बताया था कि इसका उपयोगी भाग है मूल, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसकी शुष्क मूल जो है वो दवाई के रूप में प्रयुक्त हो रही है। आगे देखिए, अगर हम बात करें इसके उपयोग की, तो देखो शुष्क मूलों को पीसकर, जो इसकी सुखाई गई मूले होती है, जड़े होते हैं, उनको पीसकर एक पाउडर बना लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है, जो सीधे ही औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, उसको दवाई के रूप में यूज ले सकते हैं। यह बलवर्धक व दुर्बलता को दूर करता है, मतलब कि ये पावर बढ़ाने के लिए, मतलब शक्ति बढ़ाने के लिए और कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है,
यह चर्म रोगों में भी लाभदायक, जो स्किन वाले जो रोग होते हैं, चर्म रोग जो होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होता है, लाभदायक होता है। यह वृद्धावस्था अथवा जीर्णता को स्थगित करने में सहायक, मतलब कि बुढ़ापे को या वृद्धावस्था को ये जल्दी आने नहीं देता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जीर्णता को स्थगित करने में सहायक होता है। जोड़ों के दर्द में लाभदायक, सिंपल सी बात है, जोड़ जो होते हैं अपने जॉइंट्स होते हैं उनमें जो पेन होता है उसके लिए भी ये लाभदायक होता है। अगला जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है वो क्या है, नीम, मार्गोसार, ठीक है। वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम होगा एजेडिरेक्टा इंडिका, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, एजेडिरेक्टा इंडिका। कुल होगा इसका मिलिएसी, मिलिएसी कुल का ये पादप है। उपयोगी उपयोगी भाग की अगर हम बात करें तो नीम जो पादप है उसके अप्रोक्सीमेटली सभी पार्ट उपयोगी होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति और वितरण, बर्मा तथा दक्षिण भारतीय उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या मानी गई है इसकी, बर्मा और दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है वहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और क्या है कि भाई इसके जो अनुकूल वातावरण है ना वो अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया में मिल जाता है, ठीक है। तो लगभग व्यापक रूप से मतलब बड़े स्तर पर जगह जगह मिल जाते हैं नीम के पादप, व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में फैला हुआ है, ठीक है। वानस्पतिक लक्षणों की अगर हम इसकी बात करें तो देखेंगे कि पादप मध्यम से विशाल शाखित वृक्ष, मतलब कि छोटा, पहले छोटा रहेगा और उसके बाद की अवस्थाओं में क्या होगा, विशाल शाखित वृक्ष बन जाता है, ठीक है। तने पर शुष्क खुरदरी छाल, जो इसका तना होता है उसके ऊपर शुष्क मतलब सूखी हुई खुरदरी छाल होती है, सबने देखा होगा, ठीक है। पुष्प छोटे सफेद सुगंधित, पुष्प कैसे होंगे इसके, छोटे साइज के होंगे, सफेद कलर के होंगे और सुगंधित होंगे, मतलब उसमें एक प्रॉपर स्मेल रहेगी, ठीक है। और कब खिलेंगे, मार्च से मई के बीच में खिलते हैं, ठीक है। 1 मार्च नहीं है ये, मार्च है, मतलब ये पूर्ण विराम था। फल छोटे गोल अंडाकार, जो इसके फल होते हैं वो छोटे होते हैं, गोल होते हैं और अंडाकार होते हैं। एक बीजी ड्रूप, यहाँ पे ड्रूप क्या है, फल का प्रकार, ठीक है। इसके जो फल होगा उसमें एक बीज पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बीजी ड्रूप, परिपक्व अवस्था में पीले रंग के, जो ये मैच्योर हो जाएगा, फल पक के पूरा तैयार हो जाएगा उस अवस्था में क्या कैसा हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा, येलो इस कलर आ जाएगा इस पे। परिपक्व फल खाने में मीठे परंतु बीज कड़वे होते हैं, जो इसका पका हुआ फल होता है वो मीठा होता है खाने में, लेकिन इसके अंदर जो बीज होता है, हमने बताया ना यहाँ पे एक बीजी, इसके अंदर का जो बीज होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। प्रवर्धन, देखिए इसको उगाते कैसे हैं, नीम शुष्क या अर्ध शुष्क व उष्ण जलवायु का पादप है, जहां पे शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है वहां पे ये उगता है, ठीक है। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा या रेतीली दोमट या ककरीली मृदा उपयुक्त होती है। हमने मृदा बताई है, दोमट है या रेतीली दोमट है या ककरीली जो मृदा है, लेकिन इसमें क्या है कि पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा जल निकास हो, मतलब कि पानी आए और जाए, मतलब आता जाता रहे, ऐसे पादप ऐसे जगह पे ये आसानी से उग सकते हैं, इकट्ठा नहीं होना चाहिए इसके पास पानी। इसका प्रवर्धन बीजों द्वारा, मतलब कि इसको बोने के लिए इसका कोई कायिक भाग हम नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए, इसका बीज चाहिए। देखो होता क्या है कि भाई इनके जो बीज होते हैं उनको ये क्या है कि जो वर्षा ऋतु आती है तो आधी वर्षा ऋतु तक ये मतलब अच्छे तरीके से मैच्योर हो चुके होते हैं बोने के लिए, ठीक है। और इनकी जो जनन क्षमता होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इनको एक प्रॉपर टाइम पे ही बो सकते हैं, इसलिए भाई इनके बीजों को इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं कि भाई इकट्ठा करके रख लिया और बाद में बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जनन क्षमता कम होती है। वर्षा ऋतु में फल, मतलब फल के अंदर ही तो बीज है, तो वर्षा ऋतु में बीज बोए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बात करें हम इसके उपयोग की तो इसकी जो शुष्क पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, वो किस काम में आती है, अनाज या कपड़े या फिर बुक्स जो होती है, पुस्तकें जो होती हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए शुष्क पत्तियों का यूज किया जाता है। उनमें डाल देते हैं
तो वो कीटों से उनसे उनकी सुरक्षा हो जाती है। छाल, छाल की अगर हम इसकी बात करें, छाल जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसका बार्क, स्वाद में कड़वी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही ये किस किस में यूज आती है, बुखार, मलेरिया, फोड़े फुंसी आदि के उपचार में, ठीक है। छाल से बना टॉनिक रक्त शुद्ध करता है, ठीक है। इसके छाल से जो टॉनिक बनाया जाता है वो क्या करता है, रक्त शुद्ध करता है। पत्ती, देखो पत्तियों का निचोड़ चर्म रोग में, जो इसकी पत्तियां हैं उसका जो रस निकाल के यूज किया जाता है वो किसके हमें राहत दिलाता है, चर्म रोगों से राहत दिलाता है, ठीक है। बीज, इसके बीज से हमें क्या मिलता है, तेल मिलता है, जो बहुत से रोगों के लिए भी उपचार में काम में आता है, ठीक है। पत्तियां व पतली शाखाएं हरी खाद के रूप में प्रयुक्त, इसकी जो पत्तियां हैं वो और जो पतली पतली शाखाएं होती है वो, उनको खाद के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब ये खाद क्या होगा भाई, जैसे मिट्टी में ये गल जाएगा, खाद के रूप में पड़ा रहेगा, गल जाएगा, तो क्या होगा, मिट्टी को ये और ज्यादा उपजाऊ बना देगा और क्या करेगा, निमेटोड जो होते हैं उनके नियंत्रण में सहायता करेगा। नीम की काष्ठ मजबूत होती है, अनेक उत्पाद बनाने में प्रयुक्त होती है। भाई जो इसकी नीम का जो एक बड़ा विशालकाय वृक्ष होता है उसको जब काटा जाता है तो उससे काफी बड़ी मात्रा में हमें क्या मिलती है, काष्ठ मिलती है, लकड़ी मिलती है, जो कि बहुत सारे उत्पाद बनाने में प्रयुक्त की जाती है। अगले प्लांट की बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।